लोकल अट्रैक्शन आज की वीडियो है टॉपिक लोकल अट्रैक्शन पर। लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग ये होता है कि जब हम सर्वे सर्वे करते हैं तो उसमें जब हम कंपास की जो नॉर्थ तरफ नीडल होती है वो अगर किसी इन्फ्लुएंस की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाए तो हमारी उसमें से बेरिंग्स वगैरह अलग आ जाती है, तो वो चीज़ लोकल अट्रैक्शन होती है। तो अभी हम लोकल अट्रैक्शन को करेक्ट करने का चीज़ें करेंगे, तो क्वेश्चन से सिंपल समझ आ जाएगा। अभी आप क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग बेरिंग्स वर ऑब्जर्व वाइल ट्रावर्सिंग विद अ कंपास, मेंशन विच स्टेशन वर अफेक्टेड बाई लोकल अट्रैक्शन एंड डिटरमाइन द करेक्टेड बेरिंग्स। ये हमें इनकरेक्ट बेरिंग्स दी हुई है और हमें पहले तो डिटरमाइन करना है कि करेक्टेड बेरिंग कौन सी है और इनकरेक्ट कौन सी है, इससे हम लगेगा पता है कि कौन कैसे करना है सॉल्व। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर हमें एक कोई भी लाइन का हमें अगर जानना है कि वो फ्री ऑफ लोकल अट्रैक्शन है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस करके अगर 180 डिग्री आता है तो वो लाइन फ्री ऑफ लोकल अट्रैक्शन है, मतलब वो करेक्टेड रीडिंग्स है। तो हम पहले देख लेते हैं, पहली लाइन में देख लेते हैं 304 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 124 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब कि ये करेक्टेड है, 180 डिग्री ये करेक्टेड रीडिंग्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं बीसी लाइन के लिए 246 डिग्री माइनस 68 डिग्री 15 मिनट्स, ये आ जाएगा 177 डिग्री 45 मिनट्स, 177 डिग्री 45 मिनट्स, मतलब ये करेक्टेड नहीं है। तो इसके बाद लाइन सी डी के लिए आ जाएगा 135 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 310 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ जाएगा 175 डिग्री 15 मिनट्स, ये भी लॉन्ग है, ये भी गलत रीडिंग्स है। और अब लाइन डीए के लिए आ जाएगा 17 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 200 डिग्री 15 मिनट्स, कितना आ गया 182 डिग्री 30 मिनट्स, और ये भी गलत है। इसका मतलब सिर्फ लाइन ए बी ही करेक्ट है रीडिंग्स के लिए। और जब ये करेक्ट होती है तो इस जो भी लाइन पूरी करेक्ट होती है उसके अगली लाइन का फोर बेरिंग करेक्ट होता है और उसका पिछली लाइन का बैक बेरिंग करेक्ट होता है। मतलब बीसी लाइन का फोर बेरिंग करेक्ट रीडिंग है ये, और डीए के लिए बैक बेरिंग है करेक्ट है। तो हम शुरू करते हैं बाकी निकालने करेक्ट बेरिंग्स। तो पहले हम निकाल लेंगे करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ बीसी। तो ये सिंपल सा आ जाएगा, करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ बीसी इज इक्वल टू कितना है, हम अगर इसमें सिंपली 180 प्लस कर देंगे तो सिंपली ये करेक्टेड बेरिंग निकल आएगी बैक बेरिंग, क्योंकि हमें फॉर्मूले से पता है। तो हम अगर सिंपल इसमें 68 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 180 डिग्री कर देंगे तो ये सिंपल आ जाएगा सॉल्व करके 248 डिग्री 15 मिनट्स। हम आपको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं, 68 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 180 डिग्री, ये आ जाएगा 248 डिग्री 15 मिनट्स। तो और यहाँ पे कितनी इनकरेक्ट बेरिंग क्या थी, 246 डिग्री। तो मतलब लोकल अट्रैक्शन कितनी हुई,
ये वाली चीज़ सिंपली इधर आ जाएगी, 248 डिग्री 15 मिनट्स माइनस ये वाली चीज़ जो इनकरेक्ट बैक बेयरिंग होती है, जो इनकरेक्ट रीडिंग थी हमारी 246 डिग्री। तो ये इसका सॉल्व करके हमें आ जाएगा, ये हमारा आया था 240 डिग्री, माइनस आंसर से माइनस कर दिया 246 डिग्री। ये लोकल ट्रैक्शन हमारी आ गई 2 डिग्री 15 मिनट्स। अब ये लोकल ट्रैक्शन जो भी हमारी जब भी हमारी निकलती है वो अगली लाइन की इनकरेक्ट फोर बेयरिंग में ऐड हो जाती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट वो इस पर डिपेंड करता है। अब इस पर पॉजिटिव आया है तो मतलब सी डी लाइन की फोर बेयरिंग में ऐड होएगा, तो ये करेक्ट फोर बेयरिंग हो जाएगी। तो करेक्टेड फोर बेयरिंग ऑफ सी डी, सी डी इज इक्वल टू 310 डिग्री 30 मिनट्स प्लस ये जो हमारा अभी लोकल अट्रैक्शन आया था 2 डिग्री 15 मिनट्स। तो ये करेक्टेड फोर बेयरिंग ऑफ सी डी आ जाएगी। अभी हम इसमें दिखा देते हैं, 310 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 2 डिग्री 15 मिनट्स, ये आ जाएगा 312 डिग्री 45 मिनट्स। अभी जो आया है, अब ये जो आया है हमें, ये इसकी सी डी की करेक्टेड है। अगर हमें जब सी डी लाइन की हमें बैक बेयरिंग निकालनी है करेक्ट, तो हम सिंपली जो हमारी करेक्टेड आई है उसमें से हम सीधा माइनस कर देंगे 180 डिग्री। वही सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ से शुरू करा था वही सेम बैक बेयरिंग निकालने के लिए हो जाएगा। तो करेक्टेड ये हो जाएगा कलेक्टेड कलेक्टेड फोर बेयरिंग कलेक्टेड बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी इज इक्वल टू 312 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 312 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, 132 डिग्री 45 मिनट्स, और यहाँ पे कितना था 135 डिग्री 15 मिनट्स। मतलब ये इनकरेक्ट थी, ये करेक्ट आ गई हमारी। अब हमें लोकल अट्रैक्शन निकालनी है, तो लोकल अट्रैक्शन कितनी हो जाएगी, लोकल अट्रैक्शन हमारी हो जाएगी ये सिंपली इधर आ जाएगा 132 डिग्री 45 मिनट्स माइनस ये वाली वैल्यू 135 डिग्री 15 मिनट्स। तो कितना आ जाएगा हम दिखाते हैं, ये तो आ गया था माइनस 135 डिग्री 15 मिनट्स, कितना आ गया माइनस में आया। अब इसे लिख देंगे माइनस 2 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये जो माइनस में हमारा लोकल अट्रैक्शन आया है ये डीए की फोर बेयरिंग में हो जाएगा ऐड, ऐड कह दो तो माइनस हो जाएगा ये सिंपली। तो फिर हम डीए की करेक्टेड फोर बेयरिंग आ जाएगी। तो अब करेक्टेड फोर बेयरिंग ऑफ डीए इज इक्वल टू, इसमें हम सिंपली 200 डिग्री 15 मिनट्स माइनस ये जो हमने अभी लोकल अट्रैक्शन निकाली थी 2 डिग्री 30 मिनट्स, ये हमारा आ जाएगा सिंपली सॉल्व करके 200 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 2 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ जाएगा हमारा 197 डिग्री 45 मिनट्स। ये हमारा आ गया करेक्टेड फॉर बेयरिंग ऑफ डी ए,
करेक्टेड फॉर बेयरिंग ऑफ डी है। अब हमारी सारी करेक्टेड होगी, ये भी पहले से ही करेक्टेड थी हमारी बैक बेयरिंग ऑफ डी है, क्योंकि इसकी प्रीवियस लाइन की बैक बेयरिंग हमेशा करेक्ट होती है। बाकी अगर आपको प्रूफ करना है और आपको चेक करना है तो इसमें से अगर हम 180 माइनस कर देंगे तो करेक्टेड बैक बेयरिंग ऑफ बैक बेयरिंग ऑफ डी ए इज इक्वल टू 197 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 180 डिग्री कर देंगे तो कितना आएगा 197 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 180 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल टू यही आ जाएगा, आप देख सकते हैं 17 डिग्री 45 मिनट्स और वही हमारी करेक्टेड थी। तो सिंपली हमने सारी करेक्ट कर ली है। तो अगर हम इसका टेबल बनाएं तो लाइन ए बी फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग मेरे लाइन ए बी, फिर आएगी हमारी बी सी सी डी डी ए। तो जो जो हमारी पहले करेक्ट थी हम पहले वो लिख लेते हैं। तो हमारी करेक्ट थी ए बी 124 डिग्री 30 मिनट 304 डिग्री 30 मिनट्स, ये हमारी बी सी करेक्ट थी तो हमें लिख लेते हैं 68 डिग्री 15 मिनट, और हमारी बैक बेयरिंग ऑफ डी ए करेक्ट थी तो हम ये भी लिख लेते हैं 17 डिग्री 45 मिनट्स। तो हम देखते हैं कि हमने करेक्ट कौन सी है। अब करेक्टेड बैक बेयरिंग ऑफ बी सी, करेक्टेड बैक बेयरिंग ऑफ बी सी आएगी हमारी 248 डिग्री 15 मिनट्स। करेक्टेड फोर बेयरिंग ऑफ सी डी, ये करेक्टेड बैक बेयरिंग ऑफ करेक्टेड फोर बेयरिंग ऑफ सी डी आ गई हमारी 312 डिग्री 45 मिनट्स, और बैक बेयरिंग ऑफ सी डी हमारी करेक्टेड कितनी आ गई थी, बैक बेयरिंग ऑफ सी डी हमारी आ गई थी 132 डिग्री 45 मिनट्स। अब रह गया सिर्फ डी ए, डी ए की हमारी फोर बेयरिंग करेक्टेड क्या आई है, हमारी डी ए की हमारी करेक्टेड फोर बेयरिंग इसमें ही आ गई थी 197 डिग्री 45 मिनट्स। अब आपको अगर मैं सारे चेक करा दूं तो हमारा फॉर्मूला आपको पता ही है, बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए तभी वो करेक्टेड होती है। तो अभी हम सारी कर लेते हैं अभी जल्दी जल्दी से, 304 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 124 डिग्री 30 मिनट्स, ये तुम्हारी करेक्टेड ही थी तो 180 डिग्री करेक्ट। अब नेक्स्ट 248 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 68 डिग्री 15 मिनट्स 180 डिग्री, ये भी करेक्ट। नेक्स्ट लाइन सी डी के लिए 132 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 312 डिग्री 45 मिनट्स, ये भी 180 डिग्री आ गया करेक्ट। और 17 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 197 डिग्री 45 मिनट्स, ये भी आ गया 180 डिग्री। और ये माइनस प्लस का कोई हमें कोई वो नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है इसमें, हमें बस 180 डिग्री निकालना है और ये चारों आ गए तो इसका मतलब ये हमने सारी करेक्ट कर ली है। और यही होता है लोकल अट्रैक्शन फाइंड करना एक बेयरिंग्स में। थैंक यू।